अलका जी, आप भी इस बात को अग्री कर रही हैं या इस बात से अग्री कर रही हैं? क्योंकि अपराजिता जी ने एकदम क्लियरली बोल दिया है कि रैलियां जो है वो डिजिटल हो जाए, लेकिन चुनाव रद्द नहीं होने चाहिए। आप क्या कह रही हैं? रूबिका, हाँ। रूबिका जी, फरवरी से 5 राज्यों के चुनावों की सूचनाएं जारी हुई। फरवरी, मार्च, अप्रैल, अब तो 10 दिन बचे हैं। 4 राज्यों का तो निपट गया, 5वें राज्य में दोबारा दोहरा रही हूँ, 8 में से 5 फेज पूरे हो गए हैं, 3 मात्र बचे हैं। कार्यकर्ताओं को और लोगों को समझाना इन 10 दिनों में कितना आसान है, कोशिश कर लीजिए। लेकिन बेहतर होता कि हम पहले दिन से ही सरकार मीटिंग बुलाती, क्योंकि मुख्यमंत्रियों की भी जो अब मीटिंग बुलाई गई 8 अप्रैल को, प्रधानमंत्री जी बुलाते, समझ रहे हैं, उस समय भी बुला ली होती, सब सम्मति बन चुकी होती, तो ये सब हालात पैदा ही नहीं होते। मैं आपको कह रही हूँ, अब बहुत देर हो चुकी है। अब आप कहेंगी तो लोग ये कह रहे हैं, बंगाल के मैं कमेंट्स में पढ़ रही हूँ, जो मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि बंगाल में भाजपा का अपनी सीटों पर जहां उन्हें उम्मीद थी पहले 5 फेज में, तो उनका निपट गया। अब ये सुझाव लेकर आना डिजिटल हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, सिर्फ एक दिखावा है। अगर ये सब करना ही था तो क्यों नहीं पहले दिन ही, पहले राज्य का जब चुनाव हुआ, नहीं अलका जी, आपको नहीं लगता है? अब नहीं अलका जी, अब वो सीटें हैं जहां पर डॉक्टर रवि मलिक तो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है ना? अरे मानव जायसवाल, अलका जी आप क्या बात कर रहे हैं? ये आप लोग दोनों समझदार लोग हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? आपको लगता है कि ये अचानक 2 लाख लोगों को एक्टिवली, अचानक नहीं हुआ मैडम, अचानक किया है बीजेपी ने, ये पिछले 3 महीने से ये, आपको लगता है सोची समझी साजिश के तहत है? मतलब विरोध के लिए इतना थोड़ी है कि आप इलॉजिकल हो जाएंगे। बीजेपी स्टाइल से काम कर रहे हैं, हम बार बार विरोध करना है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने रिप्लाई क्यों नहीं दिया? इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर संज्ञान क्यों नहीं लिया? इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं रिसर्च टीम, डॉक्टर्स की टीम को पता करने की? अरे प्लीज, आप लोग इतना लालची कैसे हो सकते हैं भाई? आप वोटों की लालच में, आप चुनाव की लालच में अभी हालात को एकदम दरकिनार कर देंगे? अरे क्या कह रहे हैं आप? एक दिन काफी है, एक दिन काफी है अलका जी, हालात को एकदम भयावह बनाने के लिए। एक 5 राज्यों में सरकार इलेक्शन कमीशन ने ऐसा किया, इतनी बुद्धिमानी नहीं थी कि तब वे उस तरीके की नहीं थी। क्या कर रहे हैं आप लोग? तब उस तरीके की वे नहीं थी। आप खुद बंगाल में गई है। मानव जायसवाल, रुकिए एक सेकंड। डॉक्टर रवि मलिक, मैं रोक रही हूँ, आप दोनों को रोक रही हूँ सर। डॉक्टर रवि मलिक, अरे ये मतलब हैरान करने वाली चीज है कि ये सरकार की तरफ से साजिश है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर आंकड़े देखें तो पिछले 1 महीने में हमने 10 गुना केसेस बढ़ा दिया, 10 गुना। आप ये देखिए, आपके मुंह पे ये शब्द आया रूबिका, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं, लोगों की भावनाओं को आपने साजिश करता। देखिए मेडिकल फैक्ट को बिना समझे हुए हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लोगों की भावना, अरे आप लोगों की भावना, ये भावना, आस्था, यहाँ पर कुछ नहीं चलेगा। यहाँ पर सब कोरोना की चलेगी अलका जी, मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ किसी का कुछ नहीं चलेगा। कोरोना ये नहीं रहेगा कि ये रसूख वाला है, ये आम आदमी बहुत शोर रहा है, बहुत शोर रहा है। मैं रोक रही हूँ, ओके मैं आपकी बात सुनूंगी, मैं आपकी बात सुनूंगी अलका जी, मैं आपकी बात सुनूंगी। हाँ, मुझे लगता है ये बहुत सेंसिटिव इशू है, हमें इस तरीके से आपा नहीं खोना चाहिए। डॉक्टर रवि मलिक एक बार अपनी बात कर ले अलका जी, फिर मैं आपके पास आऊंगी। डॉक्टर रवि मलिक, देखिए रूबिका जी, मैं ये बताना चाहूंगा ग्राउंड के ऊपर क्या हो रहा है। ग्राउंड के ऊपर ये हो रहा है कि पिछले 1 महीने के अंदर हमने 10 गुना ज्यादा हमारे केस बढ़ चुके हैं। हम जब 8 मार्च को बैठे थे तो 16-17 हजार मात्र केस हो रहे थे, और आज 2 लाख केस हो रहे हैं। देखिए कितने ज्यादा बढ़ गए। दूसरी चीज क्या है कि हम लोगों के पास में उतना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। अगर ये 2 लाख वाले केसेस आगे 10 गुना बढ़ गए गलती से, अगले महीने में अगर ये 10 गुना बढ़ गए, मैं कह रहा हूँ 2 गुना भी बढ़ गए केवल, तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ ट्रबल। हम लोग एक चिंताजनक और गंभीर स्थिति से, खतरनाक स्थिति में एकदम से आ जाएंगे।
इसको रोकने के लिए जो किया जा सके वो करना Absolutely, चाहिए। परीक्षा हो गए और इसमें और इसीलिए कल चुनाव आयोग की जो सर्वदलीय बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अलका जी, मैंने वादा किया था आपके पास आऊंगी, लेकिन अगर आपके पास आई तो वो 30 सेकंड में ये जो पोल मैंने यहाँ पर अपने ट्विटर टाइमलाइन पर रखा था उसका जवाब जो जनता की तरफ से आया वो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन आप 10 सेकंड में अगर अपनी बात पूरी कर ले तो मैं वो पोल बता पाऊंगी, वरना नहीं बता पाऊंगी। बिल्कुल अलका जी बोलिए। रूबिका जी, मुझे मालूम है आपके पोल में लोगों ने ये कहा होगा कि चुनाव रद्द होने चाहिए या डिजिटल होना चाहिए, कोई भी समझदार आदमी यही करेगा, लेकिन सरकार ने ये सब चीजें, मैं कहूंगी ये पोल भी बहुत देर से हुआ, ये पोल होना चाहिए था फरवरी में, जनता बोलती और लाखों में आपके पोल में वोट होता और सरकार को, चुनाव आयोग को आईना दिखाती, राजनीतिक दलों को भी कि देश क्या चाहता, वो होना चाहिए था। पोल बहुत देर से हुआ है, मात्र बंगाल का चुनाव, वो भी 8 में से 3 चरणों का बच चुका है, वो भी 3 में से 17 हो जाएगा तो 2 ही बचेगा, तो अब ये चुनाव आयोग भी एक चुनावी कर रहा है और ये अब इस पोल के कोई मायने नहीं है। फरवरी में, जनवरी में जरूर इस पोल के मायने होते हैं और सरकार। ओके अलका जी, थैंक यू। आप कह रहे हैं कि जनवरी में मायने होते हैं, लेकिन अभी भी डॉक्टर रवि मलिक कह रहे हैं कि पिछले 10 दिनों में जिस तरीके से रफ्तार बढ़ी है, हम अब 1 सेकंड के लिए भी देरी नहीं कर सकते। मैं क्विकली बता देती हूँ, 33,365 लोगों ने इस पर वोट किया है और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए क्या चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ा दिया जाना चाहिए, 62% लोगों ने कहा हाँ आगे बढ़ा देना चाहिए, लेकिन 38% लोगों ने कहा नहीं। फिर उनको कहा कि कोरोना के इस खतरनाक वेव के बचाव के लिए क्या चुनाव स्थगित हो जाने चाहिए, तो 37% लोगों ने कहा कि हाँ स्थगित हो जाना चाहिए, लेकिन चुनाव हो रैलियां ना हो कहने वाले 63% लोग हैं। कल चुनाव आयोग का क्या फैसला होता हमारी नजर होगी, लेकिन अगर नेता खुद से एक ट्रेंड सेट करेंगे तो फिर बात ही निराली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ABP News, आपको रखे आगे।